खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपरहिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनके खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी, इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन यानी कि कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल राघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ उसके बाद काजल राघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना बैक टू बैक खेसारी लाल काजल राघवानी की मूवी आने लगी उसके बाद, और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। और उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था, सबका अंपारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे थे। आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। हमें सीमाएं लांग गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है, 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है, लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आते रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे और दूसरी लहर में इतने सारे मौत हो गई, अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया, उनके पार्टी के आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के जो वैक्सीन अब पहले विरोध करते थे वो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे हम विश्वास नहीं है। तो भाई साहब सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है, तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है, यही पुलिस 5 साल पहले 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी, तो पुलिस वाले अच्छे थे, लेकिन आज पुलिस वाले खराब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं अपना कमेंट बताइए, धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सॉन्ग
बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दुल्हा खोज ली पाकिस्तानी, सानिया मिर्जा पर बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है, दुनिया में उनका नाम भी है। लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे, उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनके उनसे हो गया था क्योंकि उनका बहन का ही मामा का ही लड़की नदिया थी, नदिया से उसका शादी हुआ और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नदिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा क्या ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नदिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है नदिया, उसकी शाहिद अफरीदी उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया, लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया, दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपे चाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं, हो ना हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। तो शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने एक पहले भी एक बहुत बड़ा सॉन्ग, बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दुल्हा खोज ली पाकिस्तानी, सानिया मिर्जा पर बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दिए। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में ऐसे किसी ने कुछ उसे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात जरूर होगी, तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी है जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया,
लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया, और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपे चाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी, लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला। अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ़ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता, क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है इस्लाम, ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया। अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना, तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे, जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे का पता नहीं चला किसने रेता क्या किया, लेकिन इसने दो टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। योगी सरकार या मोदी सरकार आज तक कमलेश तिवारी के हथियारों को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है कि आपका नाम फैजल खान निकला, नहीं तो आप पढ़ाने के काबिल भी नहीं रहते। सोशल मीडिया से लेकर ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक आपके पीछे नहीं छोड़ते जिहादी लोग, जो इतना बड़ा बड़ा, अब उसके बारे में हम क्या कहें आपको, आपने तो वीडियो देखा ही होगा, सोनू निगम ने आपकी इतनी तारीफ किया था कि खान सर का वीडियो देखिए कितने अच्छे शिक्षक है। आपने तो पाकिस्तान वालों को ढोया था ना, ये हिंदुस्तान वाले जो मौलवी है अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो आपको धो दिए, सिर्फ इसलिए धो दिए कि वो सोचते थे कि आपका नाम अमित सिंह है, वो ये नहीं जानते थे कि आपका नाम फैजल खान है। आपने कभी किसी को बताया नहीं, आप सब कहते थे कि बैंक में मुझे लोग फैजल खान के नाम से जानते हैं, बहुत लोग मुझे अमित सिंह भी कह के बुलाते हैं, लेकिन वो समझे कि अमित सिंह ही नाम है इसलिए आपके पीछे पड़ गए थे। आपने इजराइल का थोड़ा सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट किया, जो आप सच्चाई था वही आपने बोला, गांजा जो किया वो गलत किया, लेकिन उन लोगों का नाम था कि आप गांजा का सपोर्ट कीजिए इजराइल का नहीं। गांजा बम गिरा रहा है तो सही है, लेकिन इजराइल चुपचाप मार खाए बर्दाश्त करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। कुछ लोग है, मैं सब लोगों की नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग है आप ही की तरह, कुछ लोग मैं भी कहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक बार कि सरकारें आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन जो देश के लिए कर जाएगा ना, वो जिंदगी भर उसे कोई भूल नहीं पाएगा। तो इसलिए कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के एक बार एक वोट की वजह से उनका सरकार गिर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते तो हमारा देश इस समय परमाणु बम से नहीं होता, हमारे देश में परमाणु बम होता ही नहीं, क्योंकि देखिए ये गांजा ने जब हमला किया था तो उस समय गांजा को अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि इजराइल इतना
भयानक हमला करेगा। ये रॉकेट दिख रहे हैं ना, रॉकेट ये देखिए, रॉकेट गाजा वाले एक एक करके रॉकेट एक बार में 500 1000 इस तरह रॉकेट छोड़ रहे थे। रॉकेट छोड़ने के बाद गाजा वाला रॉकेट छोड़ रहा था, पर इजराइल के पास ऐसा डिसेम सेक्टर तैयार है कि वो 99% माना रॉकेट को ऊपर हवा में ही मार दे रहा था, और जैसे रॉकेट आया इजराइल वाले ने उसे हवा में मार दिया, और जो रॉकेट किसी सुनसान जगह पे गिरने वाला था उस रॉकेट को छोड़ दे रहा था, क्योंकि उसका ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सब कुछ सेट रहता है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो जैसे आया ये रॉकेट उसके बाद इसको छोड़ दिया, और बाकी रॉकेट ऐसे हो गया। और उसके बाद जब इजराइल वाले ने हमला किया चालू गाजा पे, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितने बिल्डिंग सारे के सारे तबाह कर दिए। अमेरिका का दबाव थोड़ा मोड़ा था, और भी अन्य देश का थोड़ा मोड़ा दबाव था, लेकिन अमेरिका ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। अमेरिका ने बोला अगर गाजा पे कोई रॉकेट दागेगा, गाजा वाले अगर रॉकेट दाग रहे थे, इजराइल को पूरा हक है वो अपना भाई बीच बचाव करने के लिए, बीच बचाव वही किए, दूसरा कुछ नहीं। तो अब देखिए, देखिए ये पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही चला है। इतना भयानक हादसा, इतना भयानक हमला इजराइल वाले ने किया कि गाजा की नानी याद आ गई। गाजा वाले पूरा सोचने में मजबूर हो गए कि करे तो करे क्या, लेकिन लास्ट में कहावत है ना कि ऐसा मारो कि लाठी भी टूट न टूटे या सांप भी मर जाए, वही हाल किया। लास्ट में इजराइल ने अपना सीज फायर किया, और उसके बाद गाजा वाले सोचे कि हम जीत गए, लेकिन गाजा में जो तबाही मचाया है ना भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते गाजा वाला कितना बड़ा तबाही मचाया गाजा वाला। ये देखिए इजराइल का ये नया पैंतरा है, हर कोई नहीं समझता है। ये देश जो कुछ लोग कहते हैं कि हर कोई अब्दुल कलाम नहीं हो सकता, जो ये बात बोलते हैं ना वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के दो उंगली थे, या कहे तो दो हाथ थे, क्योंकि हर कोई अब्दुल कलाम जैसा नहीं हो सकता, हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं हो सकता। अब्दुल कलाम वो थे कि अमेरिका के नासा से बहुत बड़ा ऑफर आया था, अमेरिका वाले ने कहा था कि आपको हिंदुस्तान क्या देगा, कुछ नहीं देगा, आप हमारे नासा में आ जाइए, आपको पहचान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उतना इज्जत मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो अब्दुल कलाम ने कहा अरे हमारा ना बीबी ना बच्चा ना बाल ना बच्चा, एक मेरा देश ही तो है जो सबसे प्यारा है, आप वो भी हमसे छीन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उतना बड़ा ऑफर को ठुकरा के आ गया था, आ गए थे भारत में। और उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक बार कि सरकारें आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन जो देश के लिए कर जाएगा ना वो जिंदगी भर उसे कोई भूल नहीं पाएगा। तो इसलिए कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के एक बार एक वोट की वजह से उनका सरकार गिर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी अगर नहीं होते तो हमारा देश इस समय परमाणु बम से नहीं होता, हमारे देश में परमाणु बम होता ही नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री है ही नहीं जो इतना बड़ा परमिशन दे दिया कि तुम्हें जो करना है वो करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अब्दुल कलाम जी से, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मेरा देश में परमाणु बम चाहिए, परमाणु शक्ति बम चाहिए, जैसे अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, हिंदुस्तान भी होना चाहिए। इतना छूट दे दिया कि आपको जो करना है वो कीजिए, मुझे परमाणु बम चाहिए। अब्दुल कलाम ने वही किया, जो नासा वाले बुलाए थे दिखाने के लिए, तो नासा में देख लिया था कि ये सैटेलाइट इंडिया पे घुमाते रहता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का अपना कमाल दिखा दिए, फुल परमिशन दे दिए, जो करना है वो करो, पर हमारा देश परमाणु बम होना आना चाहिए। और अब्दुल कलाम जी ने पूरा देख लिया था, और यहाँ फौज को बता दिया भाई सैटेलाइट हमारे देश पे नज़र रखता है, उससे बच के जो करना है करो। उसके बाद परमाणु बम हमारे देश में आया। तो ये हमारे अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी वाजपेयी दो ऐसे नेता थे
कि उनको दुनिया झूठ, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं, हो ना हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। ते शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद।